मेड़ता सिटी पुलिस में अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। विधायक लक्ष्मण कलरू ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मेड़ता सिटी हिंसा मामले को लेकर हिंदू संगठन लामबंद होने लगे हैं। हिंदू संगठनों ने यूपी की तर्ज पर आरोपियों को घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग सहित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तैयार किया। उधर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने इस हिंसा के 2 परिवारों की लड़ाई बताते हुए हिंसा में तलवार होने की बात को नकार दिया, जबकि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा मौके से तलवार का टूटा हिस्सा पुलिस को सुपुर्द किया गया था। वायरल वीडियो में अभी तलवार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व इन्हीं परिवारों के बीच पुलिस प्रशासन की मध्यता से आपसी समझौता कराया गया था। यदि समय रहते ही पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई कर ली गई होती तो आज ऐसी घटना होने से बच जाती। असल मेड़ता में कल देर रात को विवाद हुआ, उसको लेकर क्या स्थिति है बेटे? कल रात को 2 पक्षों के बीच में आपसी एक बच्चों की साइकिल को मौत को लेके विवाद हुआ और उस विवाद बढ़ा और आज पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्षों की चोटें आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तो इस आदमी को रामदर कर लिया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेटमार्च भी कर रहे हैं, सारे अफसर से मौजूद है। मुझे व्यक्तियों से समझाइश करके अभी मौके पर सब शांति है और आगे से आगे माध्यम से अपील करना चाहेंगे किसी प्रकार के अफसर से। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है लगभग मामले को लेके जो है मेड़ता बंद का भी आह्वान किया गया है, कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या स्थिति है? सरकार का कोई भी अगर कहीं सोशल मीडिया पे कोई बात चल रही है तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तो इस आदमी को राउंड अप कर लिया और भी हमारी निगरानी जारी है। जो भी इस प्रकार की कोई बदमाशी करेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कोई बंद और इस पर हुक्मों पर ध्यान दें। आज हम सभी मेड़ता शहरवासी कल रात को जो मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू पक्ष परिवार पर 100-150 लोग एक साथ सम्मिलित होकर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हिंदू पक्ष के परिवार को उनके सभी सदस्यों को इतनी बुरी तरह से बेरहमी से पीटा, उनको सभी को प्राथमिक उपचार करके जोधपुर रेफर किया गया, जिसमें 2 महिलाओं के सर पर चोट लगी, 3 पुरुषों के सर पर चोट लगी और वो अधमरी अवस्था में उनको जोधपुर रेफर किया गया। उसके खिलाफ समस्त हिंदू समाज द्वारा आज मेड़ता में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये कार्रवाई उन सभी मुजरिमों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनको यहाँ से मेड़ता शहर से तड़ी पार करके कार्रवाई की जाए, ये हम सब की मांग है। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी प्रशासन के द्वारा, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। हमारी यही मांग है प्रशासन से कि इन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। कारणों के कारण मेड़ता से बाहर हूँ। कल रात को जो मेड़ता में घटना घटित हुई उसकी मुझे जानकारी मिली, मैंने तुरंत प्रभाव से कुछ अधिकारियों से बात करके पुलिस प्रशासन को भेजा और उनको निर्देश किया गया भाई आप जितने भी जो दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करें। काफी लोगों को रात को गिरफ्तार किया गया है और बाकी कार्रवाई जो है उचित कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई जारी है। मैं समस्त मेड़ता वासियों से अपील करता हूं, आप कृपया शांति बनाए रखें और कानून की पालना करें हैं। मैं समस्त जयपुर से लेकर मेड़ता तक समस्त उच्च अधिकारियों के संपर्क में हूं। राम राम।